तो बैटमैन को ही नहीं, मतलब साइबॉर्ग को भी सपना आता है कि सुपरमैन इविल हो जाएगा। बताता हूँ, जब ये लोग सुपरमैन को रिवाइव करने के लिए जाते हैं उसकी शिप में, वहाँ पे मदर बॉक्स लेके, तो वहाँ पे जब ये साइबॉर्ग कमांड देता है शिप को, तो वहाँ पे शिप बोलती है भैया मत कर ऐसा, ये भैया दुनिया तबाह कर देगा। लेकिन साइबॉर्ग वो लोग तब भी कर देते हैं, और उसके सपने में शिप ये दिखाती है कि भाई साहब सुपरमैन पगला गया, इविलो के सब हीरो को मार डाला है और धरती पर राज कर रहा है। बैटमैन अकेला नहीं है, साइबॉर्ग को भी सेम सपना दिख रखा है। और इससे ये पक्का हो सकता है कि ये फ्यूचर पक्का है आगे का, और अगर आगे मूवीज बनी तो इस रास्ते पर जरूर जाएगी। तो जो हमारे सुपरमैन भाई साहब है वो मतलब दिल के एकदम बढ़िया है, एकदम सबसे बेस्ट है, डीसी में जितने भी सुपर हीरो सबसे बेस्ट है। तो फिर वो भाई साहब डीसी के गब्बर क्यों बन गए, मतलब ऐसा क्या हुआ कि वो भाई साहब विलन बन गए? इसका आंसर है उनकी प्रेमिका लुईस लेन की डेथ। अब जो कॉमिक्स जहाँ से सबकी शुरुआत हुई है उसमें दिखा रहा है कि हमारे जो जोकर भाई साहब है ये पगलेट आदमी, ये कुछ ऐसा कांड करता है जिसकी वजह से लुईस और उसके बच्चे, उसका पेट और बच्चा होता है, वो दोनों मर जाते हैं। और सुपरमैन भाई देख के पगला जाता है और सुपरमैन कहता है अबे तेरी साले कांड करके बैठ के तू मरेगा। उसको पेट में, उसके पेट में ऐसा घुसन घुसेड़ देता है, जैसे टर्मिनेटर मारता ना वैसे पूरा पेट कारवा कर देता है और उस जोकर को वहीं ख़त्म कर देता है। उसको मारने के बाद पूरी धरती को अपना कब्जा कर लेता है, डिक्टेटरशिप कर देता है। और जितने भी सुपर हीरोज विलन्स हैं उनको बोलता है कि या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ, या तो मेरे साथ तुम। और फिर बैटमैन इसके साथ नहीं देता, वो अपोजिशन में चला जाता है। फिर इसके कहानी आगे बढ़ती है। अब आते हैं अपने दूसरे रीजन पे, जो है ब्रेन वॉशिंग का। अब सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज जिस जिसको पता है देखी है, उसमें ये होता है कि जो डार्क साइड भाई साहब है, बिग डैडी ऑफ द विलन्स, वो क्या करते हैं, वो सुपरमैन को पकड़ते हैं और अपनी जो ग्रैनी गुडनेस है उनकी राइट हैंड, उसको बोलते हैं कि भाई साहब इसका दिमाग के भेजे के सर्किट उड़ा दे। और फिर वो उसको ब्रेन वॉश कर देते हैं सुपरमैन को, और सुपरमैन को यही यकीन दिला देते हैं कि भाई वो डार्क साइड का बेटा है। फिर जो डार्क साइड है वो सुपरमैन को अपने आर्मी का जनरल बना देता है, एकदम मतलब सीधा प्रमोशन ऊपर तक। और फिर उसके बाद उससे बहुत सारी दुनिया कब्जा करवाता है, मतलब कि फिर उसको अर्थ में भेजता है, फिर वहाँ पे आके उसकी स्टोरी अलग चलती है। तो बात है अपने DCEU पे। तो हमारे जो जैक स्नाइडर भैया हैं, ये कैरेक्टर को थोड़ी सी ट्वीक और एक्सपेरिमेंट करने से नहीं कतराते। तो फिर ये DCEU में सुपरमैन दोनों स्टोरीज का मिक्सअप लेके शायद आगे हो सकता है, इविल बन सकता है। स्नाइडर का जो ये नाइटमेयर वाला टाइमलाइन थी, इसके अंदर लुईस मर चुकी है तभी वो इविल बनता, और ये जोकर भी बता देता है कि लुईस मर चुकी है। Need me to help you undo this wound you created by letting her die. Poor Lois. How she suffered. तो मरती कहाँ है? ये मूवी के इस सीन में, ये सुपरमैन के हाथ में डेड बॉडी पड़ी है, ये लुईस की हो सकती है। और स्नाइडर कट में ये भी दिखा रखा है कि लुईस प्रेग्नेंट है बच्चे से। तो मतलब कि उस टाइम पे लुईस और उसका बच्चा दोनों मर जाते हैं और सुपरमैन पगला जाता है वो देख के। और जो पूरा का पूरा इवेंट है ये बैटकेव में होता है, ये पीछे रॉबिन की कॉस्ट्यूम दिख रही है ना, ये इसी वजह पता चल रहा है। और इसके साथ डार्क साइड भी है। और मूवी के एंड में लेक्स लूथर जो है वो डेथस्ट्रोक को बता देता है कि बैटमैन का असली नाम ब्रूस वेन है, और शायद ये खबर जोकर तक चली जाती है। और फिर जोकर को ये सब प्लान बनाता है जिससे ये सुपरमैन कुछ ना कुछ ऐसा कांड करते हैं जिससे लुईस मर जाए और सारा का सारा ये ब्लेम जो है बैटमैन के ऊपर चला जाए। और इसीलिए प्लान जब हो जाता है एग्जीक्यूट तो लुईस मर जाती है, सुपरमैन इमोशनली पगला जाता है और इसी चक्कर में मतलब कि बहुत ज्यादा मेंटली कमजोर हो जाता है। और डार्क साइड इसी का फायदा उठाकर उसको थोड़ा बहुत ज्यादा बहला फुसलाता है या फिर ब्रेन वॉश करता है और अपनी साइड कर लेता है। फिर बोलता है चल बेटा तू मेरे सेना का सेनापति बन गया। तो सुपरमैन जब इविल जाता है तो बैटमैन की ये टीम, मतलब की जो फ्यूचर वाली टीम है, ये मिलके ये प्लान बनाते हैं कि किसी तरह पास्ट में जाके लुईस को बचा लें और सुपरमैन इविल ना बने, क्योंकि ये कांड ऐसे नहीं सिमटेगा। और जो BVS में ये फ्लैश आता है ना, कहता है बैटमैन को, कहता है कि लुईस इज द की, वो शायद वही मैसेज पास से ला के देता है। और फिर MI too soon, मतलब कि वो कुछ ज़्यादा टाइम में पीछे चला आता है, उस टाइम पर उसको मैसेज नहीं देना था, कुछ टाइम रुक के मैसेज देना था बाद में। तो लुईस इज द की का मतलब यही है कि अर्थ और सुपरमैन को बचाने के लिए लुईस लेन को बचाना बहुत ज़रूरी। और MI too soon का मतलब यही है कि वो टाइम में कुछ ज़्यादा जल्दी पीछे चला आता है, जो उसको उस टाइम नहीं देना चाहिए था मैसेज, उस टाइम वो कोई रिलेटिव नहीं है मैसेज। तो मतलब कि भाई लौंडा कोई भी हो, चाहे सुपरमैन ही क्यों ना हो, अगर लड़की मर वर जाए तो भाई साहब बंदा पगला जाता है। और ये तो साला पूरी की पूरी दुनिया तबाह करके बैठ गया। तो ठीक है भैया, सब्सक्राइब सब्सक्राइब तेरी पैण दी, सब्सक्राइब कर।